drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. हमारा फोक्सल स्टोर है, यही एक जगह है जहाँ की यू नो पॉसिबल है इवन ये बॉक्स टाइप क्रिकेट जो मुंबई की उन्हें पता होगा। उल्टस नहीं है वाह। मॉर्निंग में इससे अच्छी खबर मिल नहीं सकती। डिलीवर आ रहा है मतलब साइन ऑफ मोस्टली हो जाएगा। मैसेज आ गया इसका मतलब जरूरी नहीं कि साइन ऑफ हो जाएगा। जब तक रिलीवर ऑनबोर्ड नहीं आता तब तक ये बात मान के चलो। घर वालों को बिल्कुल नहीं बता रहा मैं, फुल सरप्राइज। साइन ऑफ की खबर आते ही सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि अपने कपड़े धो देता हूँ। अभी क्या है ना कि हैंडओवर का टाइम हो गया। अच्छा लगता है कि मैं कैबिन क्लीन, शिप क्लीन और जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडओवर कर सकूं। कैबिन तो लास्ट दिन क्लीन होगा पैकिंग वगैरह के बाद, लेकिन अभी क्या है कि पूरा डेक वेक तो मैंने सब चेक कर लिया है, सब कुछ क्लीन है। लाइफ बोर्ड बचा हुआ था तो खुद भी चेक करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। लाइफ बोट्स दो टाइप की होती है, एक फ्री फॉल टाइप की होती है जिसमें कि आपके पास पोर्ट स्टॉपर में दो बोट नहीं होती, एक ही बोट होती है पीछे की तरफ, जो कि मैं प्रीफर करता हूँ। मैं मेरी पिछली कंपनी थी टॉम, तो उसमें हर जगह वही बोट थी। ये डेविड वाली बोट है यहाँ पे, जो कि मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, मगर जो है लाइफ बोट के अंदर सीधा दरवाजा खोल के मत घुस जाओ, क्योंकि अंदर हैजार्डस एटमॉस्फेयर हो सकता है। थोड़ा वेंटिलेशन होने दो, क्योंकि उसमें फ्यूल होता है, उसमें लीकेज हो सकता है, मीथेन होता है, और पर्सनल डिटेक्टर कैरी करना एक बहुत अच्छी बात होती है। ब्रिज, आई एम एंटरिंग लाइफ बोट। ब्रिज पे जरूर इन्फॉर्म कर देने का लाइफ बोट में जाने से पहले। जब तक ये वेंटिलेट हो रहा है, ये जो केबल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ बोट की बैटरी चार्जिंग केबल। इसको निकाले बिना आप लाइफ बोट का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए। ये डेविड बाहर जाती है तो ये बोट बाहर आ जाती है, और ये ऊपर का हैच है, ये सेल्फ लोअरिंग वायर, यहाँ पे दी हुई है एक लाइट। ये जो आप पाइपिंग देख रहे हैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम की पाइपिंग है। हमारे लाइफ बोट का हुक रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका हुक इस डिजाइन का नहीं है तो आपको फॉल प्रिवेंशन डिवाइस FPD लगाए बिना लाइफ बोट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हैंडओवर के हिसाब से लाइफ बोट की कंडीशन अच्छी है, कुछ भी पानी नहीं है या कोई भी डिफॉर्मिटी मुझे नहीं दिखी, सारे इक्विपमेंट सब जगह पे हैं। पहले तो ये देख रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सी स्ट्रैप किसकी है, ये डिफरेंट कलर्स की है, ब्लैक येलो। ये 25 लोगों की लाइफ बोट है, अड़ोसर ने मस्त अरेंज करके अच्छे से रखा हुआ है सारा लाइफ बोट का इक्विपमेंट है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर लाइफ बोट वीडियो, सो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जिन्हें नहीं पता लाइफ बोट जहाज पे होती क्यों है, लाइफ बोट इसलिए होती है क्योंकि अगर जहाज डूबने लगे तो आदमी लोग इसमें जाके यू नो जहाज का जो क्रू है वो लाइफ बोट से सेफ हो जाए, लाइफ बोट ओपन सी में फ्लोट करेगी और कोई ना कोई रेस्क्यू करने, कोई ना कोई बचाने के लिए अपने को आ जाएगा। तो जब तक कोई आता नहीं हमको बचाने के लिए, सर्वाइवल मैनुअल है, सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। लाइफ सेविंग सिग्नल्स हैं, इमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर। बोट हुक्स एंड ओर को ऊपर मस्त सिक्योर कर दिया गया है। ये क्या होता है, हाई कैलोरी फूड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फूड होता है, ताकि ये आप कम जगह में यू नो ज्यादा दिन तक चल सके। बोट में आपको ये सब खाने को मिलेगा भाई, कंट्रोल्ड वे में कैप्टन इशू करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, असेस करता है वो कितने दिन हमें समुद्र में रहना पड़ सकता है या हम कहाँ फंसे हुए हैं, कितनी जल्दी रेस्क्यू आएगा, सारी चीजें देख के लिमिटेड क्वांटिटी में लाइफ बोट में आपको पानी और खाना मिलता है। ये बिस्किट मैंने खाया हुआ है, एक स्क्रैप शिप में थोड़ा फूड का प्रॉब्लम था तो मैंने खाया हुआ है, इट डजंट टेस्ट दैट बैड, मतलब काम चल सकता है आपका इससे। अब आया ना मजा, हवा आ रही है, गर्मी हो रही है। पीछे तो जैसा कि ये पाइप आप देख रहे हैं बाहर जा रही है, तो स्प्रिंकलर की लाइन है, ये हमेशा खुली रहती है, जब इंजन चलेगा तो यू नो स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। बैटरी रखी हुई है यहाँ पे दो, लाइट है, हैंड रिलीज है, इसका भी सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन निकालिए, इसको नीचे करिए, आगे पीछे का हो रिलीज हो जाएगा, मतलब ऑफकोर्स यहाँ से नहीं पानी में जाने के बाद। लाइफ बोट में पानी होगा, नीचे बिल्जिस में डंडे को लगाइए, ऐसे ऐसे पंप करिए, पानी बोट का पूरा बाहर निकालिए। इसको गेस करने के कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये इमरजेंसी टिलर, अगर स्टीयरिंग खराब हो जाए तो ये डंडा लगाइए इसमें और मैन्युअली इसको स्टारबोर्ड पोर्ट
करिए। सीट पे बैठ के बताता हूँ क्या क्या कंट्रोल्स है। BMW वाली फीलिंग आ रही है यहाँ भी भाई। सबसे काम की चीज लाइफबोर्ड इंजन का स्टार्ट स्विच। यहाँ पे देखेंगे तो कैबिन लाइट का स्विच है, यहाँ पे नेविगेशन लाइट जो बाहर मैंने आपको दिखाई, मैग्नेटिक कॉम्पास। लाइफबोर्ड में दो बड़ी बड़ी एयर बॉटल्स है, अगर अंदर कोई भी हैजार्डस एटमॉस्फेयर हो या फिर नेगेटिव प्रेशर हो तो हम एयर रिलीज कर सकते हैं। स्टीयरिंग तो है ही, इधर स्टारबोर्ड हो गया, ये इधर पोर्ट हो गया, इसको आप गियर समझ लो, अहेड एस्टन। चलो भाई लाइफ बोर्ड में तो सब कुछ सही है, दूसरी वाली में चेक करता हूँ, मिलता हूँ आपको कैबिन में। मुझे बोला तो ये चाहिए कि मेरा फेवरेट काम आज का है लाइफ बोर्ड चेकिंग, बट सच नहीं होगा वो, मेरा फेवरेट काम होने वाला है अब पैकिंग। मैं तीन टाइप की करता हूँ, एक होती है इनिशियल, एक होती है पार्शियल और एक होती है फाइनल। इनिशियल पैकिंग वो होती है जैसी आपको कंपनी से खबर आ जाए कि आपका साइन ऑफ है, आप वो सारी चीजें पैक कर जाते हो जिन्हें जो आपको लगता है कि अगले 5 दिन में या साइन ऑफ तक आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। पार्शियल पैकिंग होती है साइन ऑफ के जस्ट 1-1.5 दिन पहले, और फिर फाइनल ऑन द डे ऑफ साइन ऑफ। इनिशियल पैकिंग में मेनली कपड़े ही होते हैं, धो दिए कपड़े, सूख गए, चल भैया। ब्राजील में गर्मी है, ये तो यूज होगा ही नहीं बिल्कुल भी। पैकेट, मेरे पास है 3 बैग, ये बड़ा वाला बैग, ये तो मैं चेक इन में डाल देता, मतलब जो गुम भी हो जाए तो चलेगा। ये बैग मेरा कैबिन का बैग होता है और ये मेरा कैबिन का बैग होता है, इसमें मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीजें डालता हूँ, मतलब जो मुझे ट्रैवल के टाइम पे नहीं चाहिए बट आई कांट अफोर्ड टू लूज, वो सारी चीजें इसमें जाती है। और जो भी चीजें मुझे ट्रैवल के टाइम में चाहिए और मेरे सर्टिफिकेट लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, वो मैं इसमें डालता हूँ। और इस बार जहाज पे ही खरीदा था ये नया आइटम ड्रोन, ये भी इसी बैग में जाएगा। लोगों की सर्टिफिकेट की फाइल में देखता हूँ, शिप पे लेके आते लोग इतनी मोटी मोटी फाइल, इतने सारे पेपर्स, मगर मैं अपनी एकदम पतली स्लीक लेके आता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वही लाता हूँ जो चाहिए। इनिशियल पैकिंग इज डन, फिलहाल इतना ही कुछ हो सकता है। ड्रोन आ गया, अपना एक्स्ट्रा गियर आ गया, रंजना की घड़ी आ गई, ट्राइपॉड आ गया, जिम्बल आ गया, कैबिन बैग में आ गए अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इस वॉयज में काफी लकी रहे हैं, पूरे टाइम वेदर अच्छा रहा, स्टेडी रहा, सोने को मस्त मिला। और होप आप लोग को मेरा साइन ऑफ का प्रिपरेशन अच्छा लगा और आप लोग भी उतने एक्साइटेड है जितना कि मैं हूँ अपने साइन ऑफ के लिए एक्साइटेड। इसी के साथ दोस्तों स्टे फिट, जय हिंद, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @shipsailorsunil।